अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी स्टार्ट विद दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा और हमें नफा बख्श इल्म अता कर। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, यूनिट नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस एंड टॉपिक इज मेजर 4 एजेस। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट 2 एजेस, दैट इज स्टोन एज एंड ब्रोंज एज। In Stone Age, we learned about different peoples that lived in caves and they make different things with the help of bones. They use these things to decorate their houses and they also do cave paintings and make bone crafts. In Bronze Age, we learned that the people make things with the help of the metal that is called the bronze. Today, students, we will learn about the Copper Age. The Copper Age is the period when people used to make tools, weapons and utensils of copper. कि लोग इस एज में क्या करते थे, इस दौर में कॉपर धातु से जो है वो चीज़ें बनाते थे। एंड डेटिंग फ्रॉम 5000 BC टू 1000 BC, ये एरा इस टाइम पीरियड को रिप्रजेंट करता है। नाउ वी ब्रीफली डिस्कस अबाउट इट। मैन एंड वुमेन इन कॉपर एज, By cultivating the land and domesticating the animals, we can say that they were the first farmers and agriculturists in the history. Here you can say in prehistory, as they have to look after the plants and animals and they construct small villages and began to settle down permanently. The first plants that cultivated were cereal and crops. The first animals to be domesticating, it was the dog, sheep and goats, and the most important invention was the wheel. Everything becomes so easy for men and women in Copper Age, especially when they started to use make metals. Okay, students, अब हम इसको उर्दू में जो है वो करेंगे, ठीक है। कॉपर एज में क्या था कि मर्द और औरतें जो थी उन्होंने मिलकर ज़राअत शुरू की और उसके साथ साथ घर पे उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया और यहाँ से ही बकायदा ज़राअत का आगाज़ हुआ। उसके बाद इन्होंने छोटे छोटे गांव बनाए और वहाँ पर मुश्किल तौर पर रहने लगे, जबकि इससे पहले आने वाले 2 पीरियड्स में लोग नोमैड्स के तौर पर रहते थे। नोमैड्स मीन्स खानाबदोश, वो लोग जो परमानेंटली किसी एक जगह पे नहीं रह सकते थे बल्कि अपनी जगह जो थी वो तब्दील करते रहते थे। लेकिन इस पीरियड में लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे गांव रह के मुश्किल तौर पे वहाँ पे रहने लगे। और सबसे पहले जो पौधे उगाए गए थे वो गंदम और दालें थीं, और सबसे पहले जो घरों पर जानवर पाले गए थे वो डॉग्स, उनमें डॉग शामिल थे, भेड़ें थीं और उसके साथ साथ बकरियाँ थीं। इस दौर की अहम एजाज यानी पहिया व्हील थी, और इसके बाद जो चीज़ें थी वो आसान होती गईं। और सबसे अहम बात जो इस दौर की है कि इस दौर में धातुओं का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद आयरन एज है। पीपल ऑफ द आयरन एज यूज टू मेक थिंग विद ब्रॉन्ज, कॉपर एंड आयरन। यानी आयरन एज में लोगों ने क्या किया कि तीनों धातुओं को मिला के जो है ब्रॉन्ज है हमारे पास, ठीक है, कॉपर है एंड आयरन है, इन तीनों से जो है धातुओं से लोग चीज़ें बनाने लगे। एंड दे लर्न टू मेल्ट, उन्होंने इसको पिघलाना सीखा। एंड कास्ट इन टू सेवरल डाई ब्लॉक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से बनाई। दिस पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 2000 BC टू स्टिल कंटिन्यूस इन द 21st century AD, ठीक है। ये पीरियड 2000 BC से स्टार्ट होकर अब तक यानी 21st century तक चल रहा है। ओके स्टूडेंट, वी डिस्कस इस ब्रीफली। आयरन विच इज़ मोर अबंडेंट मिनरल एंड देयर फॉर ईजियर टू फाइंड इन नेचर। इन ऑर्डर टू मोल्ड दिस मेटल, दे वर मेल्टेड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर and transform into the desired shape. This is how utensils like tools, weapons and decorations were made, and this process is called metallurgy. The arise of organic production and appearance of crop caused bartering, and this is the exchange of the products when trade began. Trade over time made some villages grow in size. Okay student, ab isko hum urdu mein discuss karenge कि आयरन यानी लोहा जो कि कसरत से पाया जाने वाले मादनियात है, आयरन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करते थे कि पिघला के इससे अपनी मर्जी की अशिया जो हैं उनमें बनाई जाती थी, और इससे ज़रूरत की अशिया जैसे कि आलात, हथियार और आरायशी अशिया बनाई गई, और इस मरहले को मेटलर्जी यानी धातुकारी कहा जाता था। और जैसे जैसे पैदावार में इजाफा होता गया और अशिया भी बनना शुरू हुई तो बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, यानी तबादले का निज़ाम। जैसे अब हमारा मनी सिस्टम है कि हमने कोई भी चीज़ बाई करनी होती है तो हम पैसे देते हैं और उससे हमें वो चीज़ मिलती है, तो उस टाइम में क्या था, पैसे नहीं थे,
मनी इन्वेंट नहीं हुआ था तो तब लोग तबादले से यानी एक चीज़ देते थे और उसके बदले दूसरी चीज़ ले लेते थे, उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। और इससे फिर क्या हुआ कि तजारत का आगाज़ हुआ और लोगों ने गांव बनाना शुरू कर दिए, घर बनाना शुरू कर दिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कस्बों और फिर शहरों में तब्दील होते गए और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए अब तक जो है इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। हम जो इस जिस एरिया जिस एरा जिस टाइम पीरियड में रह रहे हैं दैट इज़ 21st सेंचुरी। ओके स्टूडेंट थैंक्स। और होमवर्क टास्क है हमारा व्हाट हैज़ बीन फाउंड इन साइड द ओल्ड केव्स, कि जो साइंटिस्ट हैं उनको पुराने गारों से क्या मिला एंड विच अर्ली डिस्कवरीज आर स्टिल बींग स्टडीज, कि वो कौन सी शुरू की दरियाफ्तें हैं जिनका अभी भी मुताला किया जा रहा है।